हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम मैथमेटिक्स इस टॉपिक की बेसिक थ्योरी इस सब टॉपिक के ऊपर सेवन्थ क्विज लाए हैं। अब तक हमने सिक्स क्विज कंप्लीट कर लिए, छः क्विजेस कंप्लीट हो चुके हैं, ये सेवन्थ क्विज। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज ए स्लैंटिंग लाइन दैट इज नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल। वो स्लैंटिंग लाइन कौन सी होती है जो ना वर्टिकल होती है ना हॉरिजॉन्टल होती है? ऑप्शन नंबर वन ऑब्ट्यूज, ऑप्शन नंबर टू ऑब्लिक्यू, ऑप्शन नंबर थ्री इज ऑब्लिक्स एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ऑब्लिक। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, व्हाट इज ए स्लैंटिंग लाइन दैट इज नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल। वो स्लैंटिंग लाइन कौन सी होती है जो ना वर्टिकल होती है ना पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होती है? ऑप्शन नंबर वन ऑब्ट्यूज, ऑप्शन नंबर टू इज ऑब्लिक, ऑप्शन नंबर थ्री इज ऑब्लिक्स एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ऑब्लिक ऑब्लिक्यू। ऑप्शन नंबर टू इज ऑब्लिक्यू एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ऑब्लिक। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है ये फाइंड करने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू इज ए स्लैंटिंग लाइन दैट इज नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल। ऑब्लिक्यू एक स्लैंटिंग लाइन होती है जो ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 2/8। 2/8 इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन 1/4, ऑप्शन नंबर टू 2/4, ऑप्शन नंबर थ्री इज 8/4 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज 8/2। तो इन चारों में से फ्रैक्शन 2/8 का रेसिप्रोकल कौन सा रहेगा? 1/4, 2/4, 8/4, 8/2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ 8/2। रेसिप्रोकल यानी कि जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में जाएगा और जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आएगा। तो इसी तरह से 2/8 इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है 8/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज अनदर नेम फॉर ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर इसको अनदर नेम यानी दूसरा नाम कौन सा है? रोम्बस, रोम्बॉइड, ऑब्लॉन्ग, ऑब्लेट। इन चारों में से किसे रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर का अनदर नेम है? रोम्बस, रोम्बॉइड, ऑब्लॉन्ग, ऑब्लेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड ऑब्लॉन्ग। ऑब्लॉन्ग इज द अनदर नेम फॉर रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर। ऑब्लॉन्ग एक अनदर नेम है रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर के लिए, और अनदर नेम फॉर रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर इज ऑब्लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर ट्रैकिंग और ड्राइंग मैप और ए पिक्चर एंड फॉर द एनलार्जमेंट और रिडक्शन ऑफ एन ओरिजिनल। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ट्रैकिंग के लिए, ड्राइंग को, मैप और ए पिक्चर एंड फॉर द एनलार्जमेंट और रिडक्शन ऑफ एन ओरिजिनल? ऑप्शन नंबर वन पेगबोर्ड, ऑप्शन नंबर टू पेंटाग्राफ, ऑप्शन नंबर थ्री इज पेंटाग्राम, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज पेंटाउन। ऑप्शन नंबर वन पेगबोर्ड, ऑप्शन नंबर टू पेंटाग्राफ, ऑप्शन नंबर थ्री पेंटाग्राम, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज पेंटॉम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ट्रैकिंग अ ड्राइंग मैप और ए पिक्चर एंड फॉर द एनलार्जमेंट और रिडक्शन ऑफ एन ओरिजिनल। पेंटोग्राफ ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ट्रैकिंग के लिए, ड्राइंग मैप और पिक्चर के, एंड फॉर द एनलार्जमेंट और रिडक्शन ऑफ एन ओरिजिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन कॉल्ड। नीचे दिए गए में से कौन सी ऐसी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता? ऑप्शन नंबर वन स्केल्ड, ऑप्शन नंबर टू स्केलर, ऑप्शन नंबर थ्री स्कैल्प एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज स्कैंट। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्केलर। स्केलर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। और अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन कॉल्ड स्केलर। स्केलर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट द स्टडी ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंसेस इज नोन एज। जो नंबर्स की स्टडी होते हैं और दे सपोज्ड इन्फ्लुएंस एंड उनसे होने वाला इन्फ्लुएंस जो सपोज्ड इन्फ्लुएंस है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नरेशन, ऑप्शन नंबर 2 न्यूमेरेसी, ऑप्शन नंबर 3 न्यूमेरोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज न्यूमेरो यूनो। नीचे देखिए में से कौन सा ऐसा उसे कहते हैं जिसे स्टडी ऑफ नंबर्स, नरेशन को स्टडी ऑफ नंबर्स कहते हैं, न्यूमेरेसी को स्टडी ऑफ नंबर्स कहते हैं, न्यूमेरोलॉजी को स्टडी ऑफ नंबर्स कहते हैं या फिर न्यूमेरो यूनो और देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस और उनसे होने वाला सपोज्ड इन्फ्लुएंस यानी होने वाला इन्फ्लुएंस इनकी स्टडी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नरेशन, ऑप्शन नंबर 2 न्यूमेरेसी, ऑप्शन नंबर 3 इज न्यूमेरोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज न्यूमेरो यूनो। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंसेस और द स्टडी ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंसेस इज नोन एज न्यूमेरोलॉजी। जो नंबर्स की स्टडी होते हैं और उनके से होने वाला सपोज्ड इन्फ्लुएंस तो उसे कौन सी स्टडी कहा जाती है, न्यूमेरोलॉजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ए प्रिज्म मेड ऑफ पैरेललोग्राम्स कॉल्ड। जो एक प्रिज्म जो मेड होता है पैरेललोग्राम से उसे क्या कहते हैं। प्रिज्म मेड ऑफ पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम से जो प्रिज्म तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पैरालैक्स, ऑप्शन नंबर 2 पैरालेलिज्म, ऑप्शन नंबर 3 पैरालोगिज्म, ऑप्शन नंबर 4 इज पैरालेली पाइप। इन चारों में से किसे वो प्रिज्म का नाम दिया गया है जो पैरेललोग्राम से तैयार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पैरालेली पाइप्ड। पैरालेली पाइप्ड इज ए प्रिज्म मेड अप ऑफ पैरेललोग्राम्स। पैरालेलो पाइप्ड ये उस प्रिज्म का नाम है जो पैरेललोग्राम से बनता है और प्रिज्म मेड अप ऑफ पैरेललोग्राम्स इज कॉल्ड पैरालेले पाइप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज शेप और द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री कॉल्ड। जो डिस्टेंस अराउंड है क्लोज शेप, जो क्लोज शेप्ड होता है और लेंथ होती है उसके अराउंड जो डिस्टेंस है द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री कॉल्ड उसे क्या कहते हैं। पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर 1 पेरीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 पैरामीटर, ऑप्शन नंबर 3 पेरीमॉर्फ, ऑप्शन नंबर 4 द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज शेप्ड और इट्स और द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री कॉल्ड। जो डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज शेप में और जो लेंथ होती है इट्स बाउंड्री की, उसकी बाउंड्री की, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर 2 पैरामीटर, ऑप्शन नंबर 3 पैरामीटर, ऑप्शन नंबर 2 इज पेरीमीटर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज पेरीमॉर्फ। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पेरीमीटर। द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज शेप और द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री कॉल्ड पेरीमीटर। जो डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज शेप, क्लोज शेप के बाहर अराउंड जो डिस्टेंस होता है और जो लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री होती है उसे पेरीमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ए प्लेन शेप मेड अप ऑफ टू और मोर स्क्वेयर्स ऑफ द सेम साइज विथ ईच स्क्वेयर कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर्स बाय अ कॉमन एज नोन एज। वो प्लेन शेप मेड अप ऑफ टू, एक प्लेन का शेप जो दो और मोर स्क्वेयर से ऑफ सेम साइज जिसका साइज सेम होते हैं उससे बना होता है विथ ईच स्क्वेयर कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर्स बाय अ कॉमन एज नोन एज। और हर और एक और ईच स्क्वेयर जो होता है वो कनेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट वन ऑफ द अदर्स, किसी एक से अगले एक दूसरे स्क्वेयर से बाय कॉमन एज, एक कॉमन एज से।
तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 डोमिनो, ऑप्शन नंबर 2 ट्रियोमिनो, ऑप्शन नंबर 3 टेट्रोमिनो, ऑप्शन नंबर 4 पॉलियोमिनो। तीन चार में से वो कौन सा शेप है? व्हाट इज अ प्लेन शेप मेड अप ऑफ टू और मोर स्क्वेयर्स ऑफ द सेम साइज विद ईच स्क्वेयर कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर्स बाय अ कॉमन एज नोन एज? ऑप्शन नंबर 1 डोमिनो, ऑप्शन नंबर 2 इज ट्रियोमिनो, ऑप्शन नंबर 3 इज टेट्रोमिनो, ऑप्शन नंबर 4 इज पॉलियोमिनो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पॉलियोमिनो। पॉलियोमिनो इज ए प्लेन शेप मेड अप ऑफ टू और मोर स्क्वेयर्स ऑफ द सेम साइज विथ ईच स्क्वेयर कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर्स बाय अ कॉमन एज नोन एज पॉलियोमिनो। तो पॉलियोमिनो एक प्लेन शेप होता है, अ प्लेन शेप मेड अप ऑफ टू और मोर स्क्वेयर्स ऑफ द सेम साइज विथ ईच स्क्वेयर कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर्स बाय अ कॉमन एज नोन एज पॉलियोमिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द लाइंस दैट डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, कैन नॉट इंटरसेक्ट एंड आर नॉट पैरेलल? जो लाइंस होते हैं जो एक दूसरे के यहाँ पे लाई नहीं करते, सेम प्लेन में, सेम प्लेन पे लाई नहीं करते, कैन नॉट इंटरसेक्ट एंड आर नॉट पैरेलल, व्हाट आर द लाइंस दैट डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन? उन लाइंस को क्या कहते हैं जो एक प्लेन में नहीं होती और कैन नॉट इंटरसेक्ट एंड आर नॉट पैरेलल, और इंटरसेक्ट भी नहीं हो सकती और पैरेलल भी नहीं हो सकती? ऑप्शन नंबर 1 लाइन सेगमेंट, ऑप्शन नंबर 2 इंटरवल, ऑप्शन नंबर 3 इज वर्टिकल लाइंस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज स्क्यू लाइंस। तो इन चारों में से कौन से वो लाइंस होते हैं जो एक प्लेन में नहीं रहते और इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते एक दूसरे से और पैरेलल भी नहीं रहते एक दूसरे से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आर द लाइंस दैट डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, कैन नॉट इंटरसेक्ट एंड आर नॉट पैरेलल। तो स्क्यू लाइंस ये जो लाइंस होती है वो लाई नहीं करती सेम प्लेन पे, कैन नॉट इंटरसेक्ट एंड आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो स्क्यू लाइंस ऐसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइन ऑन विच इंटरवल्स ऑफ टाइम आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज। ये जो लाइन होती है ऑन विच इंटरवल्स ऑफ टाइम, जहाँ पे टाइम का इंटरवल जो होता है आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 डेट लाइन, ऑप्शन नंबर 2 टाइम लाइन, ऑप्शन नंबर 3 इज क्रोनोलाइन और ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से वो कौन सी लाइन है जहाँ पे टाइम का इंटरवल्स रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 टाइम लाइन। अ लाइन ऑन विच इंटरवल्स ऑफ टाइम आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज टाइम लाइन। उस लाइन को क्या कहते हैं? टाइम लाइन। और अ लाइन, टाइम लाइन इज एन लाइन ऑन विच इंटरवल्स ऑफ टाइम आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच अमॉन्ग दिस इज इक्विवेलेंट टू ए ट्रिलियन। नीचे देखिए में से किसकी वैल्यू एक ट्रिलियन से मिलती है और उसके इक्वल है? इसको ऑप्शन नंबर 1 10^6, ऑप्शन नंबर 2 10^9, ऑप्शन नंबर 3 10^12 एंड ऑप्शन नंबर 4 10^15। तो इन चारों में से किसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होती है ट्रिलियन से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 10^12। 10^12 इज इक्विवेलेंट टू ए ट्रिलियन। तो जो एक ट्रिलियन की वैल्यू कितनी होती है? 10^12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ ए व्हील यूजुअली 1 meter इन circumference यूज्ड फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस विच गिव्स अ क्लिक साउंड एट ईच रिवॉल्यूशन 1 meter एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन।
तो निश्चित दीर्घ में से कौन सा व्हील का नेम होते हैं जिसका यूजुअली 1 मीटर इन द सरकमफेरेंस, उसका सरकमफेरेंस 1 मीटर होता है, यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, किसके लिए यूज़ किया जाता है मेजर डिस्टेंस मेजर करने के लिए, विच गिव्स अ क्लिक साउंड एट ईच रिवॉल्यूशन, और एक क्लिक साउंड वो देता है हर एक रिवॉल्यूशन के बाद 1 मीटर के बाद, एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर 1 स्पिंडल व्हील, ऑप्शन नंबर 2 टर्नडल व्हील, ऑप्शन नंबर 3 इज वैगन व्हील, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कैबिन व्हील। तो इन चारों में से उस व्हील का नेम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ट्रंडल व्हील। ट्रंडल व्हील इज द नेम ऑफ ए व्हील यूजुअली 1 मीटर इन द सर्कमफेरेंस यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस विच गिव्स ए क्लिक साउंड एट इच रिवॉल्यूशन 1 मीटर एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। जो नीचे देखो में से कौन सा व्हील होता है वो है ट्रंडल व्हील। ट्रंडल व्हील इज द नेम ऑफ ए व्हील यूजुअली 1 मीटर इन द सर्कमफेरेंस यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस विच गिव्स अ क्लिक साउंड एट ईच रिवॉल्यूशन 1 मीटर एंड रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज 1 यार्ड इक्विवेलेंट टू। 1 यार्ड नीचे दिखे में से किससे इक्विवेलेंट है यानी कि इक्वल है? ऑप्शन नंबर 1 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 3 फीट, ऑप्शन नंबर 3rd इज 36 इंचेस, एंड ऑप्शन नंबर 4th इज ऑल ऑफ दिस। 1 यार्ड ये किससे इक्विवेलेंट है, 90 सेंटीमीटर 3 फीट या 36 इंचेस या इन तीनों से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th ऑल ऑफ दिस। जी हाँ, 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यार्ड। 1 यार्ड कितने सेंटीमीटर का होता है? 90 सेंटीमीटर। 3 फीट, 1 फीट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, हेंस 3 फीट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, एंड 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यार्ड, 0.9 मीटर इज इक्वल टू 1 यार्ड। एंड थर्ड ऑप्शन 36 इंचेस, 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, हेंस 36 into 2.5 is equals to 90 centimeter, and 90 centimeter is equals to 0.9 meter, and 0.9 meter is equals to 1 yard. So all the three are equivalent to 1 yard. Hence, all the three 90 centimeter, 3 feet, and 36 inches is equals to 1 yard. Next question. Question number 15. In perspective, the point or points at which all parallel lines appear to meet is called. In perspective. एक पर्सपेक्टिव पे द पॉइंट और पॉइंट्स, पॉइंट या फिर पॉइंट्स एट विच ऑल पैरेलल लाइंस अपीयर टू मीट, सभी पैरेलल लाइंस एक अपीयर टू मीट यानी कि मीट होती है एक जगह पे, उसे क्या कहते हैं? मीटिंग पॉइंट ऑप्शन नंबर 2 जंक्शन पॉइंट, ऑप्शन नंबर 3 इज वैनिशिंग पॉइंट, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज डिमिनिशिंग पॉइंट। इन चार में से वो कौन सा पॉइंट होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वैनिशिंग पॉइंट। इन पर्सपेक्टिव द पॉइंट और पॉइंट्स एट विच ऑल पैरेलल लाइंस अपीयर टू मीट इज कॉल्ड वैनिशिंग पॉइंट। इन पर्सपेक्टिव द पॉइंट और पॉइंट एट विच ऑल पैरेलल लाइंस अपीयर टू मीट, जो पॉइंट होता है या फिर पॉइंट्स एट विच ऑल पैरेलल लाइंस अपीयर टू मीट, या जहाँ पे ऑल पैरेलल लाइंस ऐसा लगता है कि वो मीट कर रहे हैं, तो उसे वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। In perspective, the point or points at which all parallel lines appear to meet is called vanishing point, or vanishing point is a point or point at which all parallel lines appear to meet. Next question. Question number 16. What is a diagram used to represent sets and relationships between sets called? The diagram used किए जाते हैं set or relationship between the sets को represent करने के लिए, और diagram used to represent sets and relationship between the sets, जो डायग्राम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और दो सेट्स के बीच में रिलेशनशिप तैयार करने के लिए जो यूज़ की जाती है डायग्राम, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 बेल डायग्राम, ऑप्शन नंबर 2 नेल डायग्राम, ऑप्शन नंबर 3 बेन डायग्राम, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज वेन डायग्राम। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज ए डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट सेट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स, और डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट सेट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेप्स सेट्स कॉल्ड वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज 9 फ्रॉम द इक्वेशन 9 × 8 इज इक्वल टू 72। जो इक्वेशन दिया गया है 9 × 8 इज इक्वल टू 72, इसमें 9 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकंड, थर्ड ऑप्शन प्रोडक्ट या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, तीन चारों में से क्या कहा जाता है 9 को इक्वेशन में, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकंड, प्रोडक्ट या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मल्टीप्लिकंड। 9 इज द मल्टीप्लिकंड इन द इक्वेशन 9 × 8 इज इक्वल टू 72, वाइल 8 इज मल्टीप्लायर एंड 72 इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच अमॉन्ग दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नंबर, नीचे दिए गए में से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नंबर है। ऑप्शन नंबर 1 5 बॉयज, ऑप्शन नंबर 2 5 डॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 5 kg, ऑप्शन नंबर 4 इज 5। तो नीचे दिए गए में से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नंबर है, 5 बॉयज, 5 डॉल्स, 5 kg या 5। तो इन चारों में से सही आंसर कौन सा है ये फाइंड करने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स। तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 5। 5 इज एन एब्स्ट्रैक्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बाय अरेंजिंग डिजिट इट टू 9 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड यूजिंग एनी अरिथमेटिक साइंस विच अमॉन्ग दिस एड्स अप टू 100। अगर हम डिजिट्स को अरेंज करें 0 से 9 तक के इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ते क्रम पे, एंड यूजिंग एनी अरिथमेटिक साइंस, और अगर हम अरिथमेटिक साइन यूज करें कौन सा भी, तो विच अमॉन्ग दिस एड्स अप टू 100, तो नीचे देख में से किसकी वैल्यू 100 होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 1 + (2×3) - 4 (56/7) - 89। ऑप्शन नंबर 2, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8×9। थर्ड, 1 + 2 + (3×4) + 5 + 6 - 7 + 8 - 9। ऑप्शन नंबर 4 इज 1 × 3 - 45 + 67 + 89। तो इन चारों में से वो कौन सा सही ऑप्शन हमें फाइंड करना है। तो आप डायरेक्टली आप इसको कैलकुलेट करके भी आप फाइंड कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कौन सी, किस ऑप्शन की वैल्यू 100 है, तो या फिर आप ओरली भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 15 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स फॉर एक्स्ट्रा फॉर कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8×9। 8×9 = what? इज इक्वल टू 72 एंड फॉर द एंड अदर्स वैल्यू, दैट्स मीन एडिशन ऑफ 1 to 7 इज 28। सो 28 + 72 इज इक्वल टू 100। तो इसी तरह से यहाँ पे 100 यहाँ पे सम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी पार्ट्स और वेट ऑफ प्योर गोल्ड आर देयर इन एन 18 कैरेट गोल्ड 18K एंड द रेस्ट अलॉय। कितने पार्ट्स और वेट ऑफ प्योर गोल्ड आर देयर इन 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड में कितना पार्ट्स और कितना वेट होता है प्योर गोल्ड का, एंड द रेस्ट इज अलॉय, और बाकी का रेस्ट अलॉय, रेस्ट अलॉय होता है। ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 इज 18 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 24। तीन चारों में से कितने पार्ट्स और वेट ऑफ प्योर गोल्ड आर देयर इन 18 कैरेट गोल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 18। 18 पार्ट्स और वेट ऑफ प्योर गोल्ड आर देयर इन एन 18 कैरेट गोल्ड 18K अंदर रेस्ट अलॉय।
तो इसी तरह से हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं मैथमेटिक इस टॉपिक के बेसिक थ्योरी इस सब टॉपिक के ऊपर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, इससे आपको कोई नॉलेज मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो डेली अपडेट है जो आपको मिलते रहे, वो डेली वीडियो जो हम अपलोड करते हैं वो आपको मिलते रहे। और अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है, फिर से मैं कहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त है या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। और ज़्यादातर ये जो क्विजेस हैं ये स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं, ऑल स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।